दोस्तों एयर फंसी है जिससे कि पूरे बाथरूम में कहीं पानी नहीं आ रहा है। अब जैसे कहीं पानी नहीं आ रहा, जब तक एयर निकलेगी नहीं तब तक पानी नहीं आएगा। मैं इधर आया, मैं डायवेटर में आ रहा हूँ। किसी में पानी नहीं आ रहा, एयर फंसी हुई है, किसी में पानी नहीं आ रहा। नहीं, जब तक एयर नहीं निकलेगी नहीं आएगा पानी। इसमें भी इसमें कभी भी एयर पाइप देना हो तो कभी भी स्ट्रेट लाइन जहाँ से उतर रही हो नीचे वहाँ पे एयर पाइप दी जाती है। ऐसे अगर आप कभी एयर पाइप देते हैं तो आपका एयर फंसने की प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी। आप देख सकते हैं वो प्लम्बर ने काम किया है, आप भी देख सकते हैं। उसने देखिए एयर पाइप जहाँ पे स्ट्रेट लाइन उतर रही वहाँ पे दिया है, और ये प्लम्बर ने एयर पाइप यहाँ दे दिया है। एयर पाइप यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन उतर रही है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन उतर रही है, तो एयर पाइप यहाँ देना चाहिए था। अब ये प्लम्बर इस टी को एल्बो को काट कर यहाँ पर टी दे के यहाँ से एयर पाइप खड़ी कर देगा तो एयर कभी नहीं फंसेगी। इन्होंने यहाँ पे एयर पाइप दिया जिसके कारण हमेशा एयर फंसती रहे। जब भी अगर टंकी कभी खाली होगी या टंकी का पानी बंद करेंगे तब ये एयर फंस जाएगी। जैसे ऊपर में देखिए काम सही किया है, ऊपर में देखिए काम सही किया, वो स्ट्रेट लाइन डाला है। सभी प्लम्बर इधर सभी काम सही किए हैं, बट ये प्लम्बर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। उधर भी आप देख सकते हैं एक टंकी लगी हुई है, उसका भी पाइप स्ट्रेट लाइन जहाँ उतर रही वहीं पे दिया है। और ये प्लम्बर ने यहाँ दे दिया। ये पानी आने लगा है, अभी हर जगह एयर निकलने के बाद हर जगह पानी आने लगा। इसमें भी पानी आने लगा, वहाँ भी पानी आने लगा, इधर भी पानी आने लगा। ये प्रॉब्लम जब एयर निकलेगी तो पानी आना चालू हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम एयर की थी, एयर निकला पानी आने लगा।